सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, ये इर्टिगा गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो सेंटर लॉकिंग है, सेंटर लॉकिंग अपना इंडिकेटर वर्क कर रहा है मगर गाड़ी लॉक नहीं हो रही। आप देख सकते हैं ये लॉक का बटन है, ये अपना इंडिकेटर वर्क कर रहा है मगर ये गाड़ी लॉक नहीं हो रही। अगर ये अपन चाबी से, सॉरी अभी ये अपन इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है उसका दरवाज़ा खोलने के बाद, ये अपन चाबी से इसको अगर लॉक कर दिए, आप देख सकते हैं ये अपना दरवाज़ा अब लॉक है बिल्कुल, तो ये जो है अनलॉक हो रही है। आप देख सकते हैं अपना अनलॉक हो गया मगर ये लॉक नहीं हो रही, ये अपना लॉक नहीं हो रहा और ये चाबी से चारों डोर लॉक हो रही। ये आप देख सकते हैं लॉक हो गए पर ये अनलॉक हो रहा है, ये अपना अनलॉक हो गया। सॉरी अभी एक बार बताऊंगा आपको, ये चाबी से लॉक हो गया। तो फ्रेंड अपन ये इसका क्वार्टर पैनल है सेंटर लॉकिंग का, तो ये जो वायर है आप देख सकते हैं ये वायर अपने डोर की है अनलॉक, ये लॉक की वायर है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें अर्थिंग आ रहा है और ये वायर मेन है, ले पकड़, ये मेन की वायर है और ये अपना अर्थिंग है। तो अभी आप देख सकते हैं अर्थिंग कितना आ रहा है। उधर का करो तुम, पकड़ दर लॉक करके इधर का पकड़। तो ये आप देख सकते हैं अपना ये अपना 8 वोल्ट के ऊपर आ रहा है, कभी 10 वोल्ट भी आ रहा है, तो ये अर्थिंग अपना प्रॉपर सप्लाई है पर ये लॉक नहीं कर रही गाड़ी, जो डोर लॉक होने के वो लॉक नहीं कर रही। तो अपन इसको एक अलग से 5 पिन ऐसा रिले लगाएंगे, 5 पिन रिले लगा के मैं सप्लाई बताऊंगा आपको किस तरीके से देना है। और ये लॉक के ऊपर ही उसको वोल्टेज आ रहा है और अनलॉक पर वोल्टेज नहीं आ रहा, मतलब ये लॉक का है ये वायर। तो मैं आपको ये 5 पिन का रिले लगा कर बताऊँगा कि गाड़ी अपनी प्रॉपर लॉक हो जाएंगी रिमोट से। तो फ्रेंड अपन एक वायर लेंगे जो लॉक की वायर है, यहाँ पे अपन इसको छिल के लगेंगे और ये वायर अपन यहाँ से होते हुए, तो ये अपन डोर में से वायर लिए तो यहाँ पे है। अभी मैं आपको इसका सप्लाई बताऊंगा किस तरीके से देना है सप्लाई। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं ये अर्थिंग है और ये अपना मेन सप्लाई, ये ग्रीन वाला। तो ठीक है आप देख सकते हैं, तो ये इसमें से अपन ये अर्थिंग और मेन सप्लाई में से दो दो कलेक्शन निकाल के अपन इस रिले में देंगे अर्थिंग और मेन, उसके बाद में ये सप्लाई आगे देंगे अपन। तो ये अपना क्वार्टर पैनल ये लगा दिया अपन, रिमोट पकड़ो जी, ये अपना रिमोट है और ये आप देख सकते हैं ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग अपने को बीच में देना है और ये जो है ये अर्थिंग जो है अपना बटन जब अपन लॉक कर दें तो इसमें अर्थिंग आता है, वो यहाँ पे देना है और ये मेन सप्लाई है, तो मेन सप्लाई अपन कलेक्शन डायरेक्ट देंगे। ये मेन सप्लाई है
और ये एक मेन है, ये आप देख सकते हैं ये मेन है, ये दो वायर ग्रीन वाला है, ये सॉरी ब्लू वाला है, ये मेन सप्लाई, ये दो मेन सप्लाई है और ये डायरेक्ट आर्थिंग है, जो डायरेक्ट आर्थिंग आएंगे यहाँ पे और ये बटन के ऊपर आर्थिंग आने वाला है। और ये जो है अपना डोर में सप्लाई है, तो डोर का सप्लाई अपन यहाँ पे देंगे, वहाँ पे मैंने वायर जॉइंट कर दी। और ये पकड़ना, नदीन ने पकड़ा तो बंद कर। अरे वो फयाज का सामान रखना था, चार बोरी दुखा था वो, हो गई बात। ये ऑल डोर का कलेक्शन है। हाँ आ रहा हूँ पाँच मिनट में। गोला को आजी तो फ्रेंड ये अपना ओके है, ये मेन सप्लाई दो तरफ और ये आर्थिंग है, ये बीच का आर्थिंग है और ये अपना जब लॉक करते हैं जब इसमें एक आर्थिंग आता है और ये सप्लाई का वायर है। दो मिनट, ये सप्लाई का वायर है, लियाज लगाना कैसा बेटे इसको, ये सप्लाई का वायर है। और एक बार बता रहा हूँ, देखो ये सप्लाई का है, ये बीच में मेन कलेक्शन आता है और ये साइड में एक मेन आता है, और ये जो बीच में है इसको अर्थिंग आता है, और ये साइड में जो है अपना जब जब अपन लॉक करेंगे तब इसमें अर्थिंग आता है, तो कभी कभार मेन भी आता है तो इधर अर्थिंग देते हैं अपन, तो इसमें अर्थिंग आ रहा है इसलिए मैं मेन दूँ दो जगह, बीच में है और साइड में एक मेन सप्लाई है, और ये बीच वाली वायर में ये अर्थिंग दिए से जो डायरेक्ट अर्थिंग आता है, और ये जब भी इसको बटन दबाएंगे अपन तो ये आर्थिंग सप्लाई होके यहाँ पे ये आर्थिंग कट ऑफ होके मेन सप्लाई होता है तो गाड़ी लॉक हो जाती है। तो ये इस तरीके से कलेक्शन है इसका, बंद कर वायर का टेपला। ये मैं तो ये रिमोट है, मैं मैच करे उससे पहले, और ये इसका पहले का रिमोट है। ये दरवाजे की लाइट बंद कर दी मैं यहाँ से, अब देख सकते हैं लाइट बंद है, तो अभी अपना ये लॉक और ये अनलॉक, तो अपना रिले अपन डायरेक्ट लगा दें। ये देख, ये भी मैं बता दिया आपको, ये कलेक्शन जब अपन ये एक में देंगे तो एक ही डोर लॉक हो रहा था, फिर ये दूसरे वायर में भी कलेक्शन दिए तो अपने चारों डोर लॉक और अनलॉक हो रहे हैं बराबर प्रॉपर एकदम। और ये अपन अगर डोर ओपन कर दिए तो अपना लॉक नहीं होता, ये आप देख सकते हैं अपना डोर ऑन है, ये कोई सा भी लॉक या अनलॉक कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। जैसे अपन ये डोर का कनेक्शन अगर बंद कर दिए तो ये अपना लॉक वर्क करता। तो ये मैनुअल तरीका है कि अगर पावर सेंटर लॉक में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका अनलॉक हो रहा है लॉक नहीं हो रहा तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर लॉक हो रहा है अनलॉक नहीं हो रहा तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैनुअल है,